कपिल शर्मा जैसे लोगों ने भले ही अपने शो में आने के लिए मना कर दिया हो तो कश्मीर फाइल्स के लिए विवेक अग्निहोत्री को, लेकिन यहाँ पे देश ने भगवाधारियों ने वो रंग दिखाया कि शायद देख के ऐसे लोग खुद ही सोचेंगे हमने क्या गलती कर दी। चारों ओर आप देख रहे हैं भगवा भगवा लहर रहा है। ये सत्य का प्रतीक है, इसको किसी उससे ना जोड़ें, ये सत्य का प्रतीक है जो इस मूवी में दिखाया गया। देखिए पूरा रिएक्शन सभी का। हमारे लिए भगवान ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मार दिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? हम कश्मीरी हिंदुओं की एक दस्तक है। मैं अनुपम खेर नहीं हूं, मैं अब पुष्कर नाथ हूं और आप सब तक पहुंचने के लिए छटपटा रहा हूं। प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल सोल्जर पर। द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री द्वारा प्रस्तुत ये फिल्म जो रियलिटी दिखाती है 1990 के दशक के उन हालातों के, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, किन किन अवस्थाओं में, परिस्थितियों में, सब कुछ लाचार था, सिस्टम लाचार था, कानून लाचार था, बहुत सारी बातें कही गई दिखाई गई आपको। पल पल इस मुद्दे पर हमने जो अपडेट देते रहे ग्राउंड रियलिटी के साथ। अभी रिलीज़ हो गई है, बड़ा ही, मैं आज मेरा ऑनेस्टली बताऊँ, दो दिन से इतना टाइट शेड्यूल है और आप सभी के मैंने गुड अच्छे मैसेजेस पढ़े। न्यू कार के लिए कांग्रेट्स आप सभी ने बोला था, उसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम एक बात बोलते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अ चैनल, इट्स अ फैमिली। और जो भी अच्छे लोग इस परिवार के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, आप सबकी शुभकामनाएं हमेशा हमारे साथ हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी हम बात करते हैं द कश्मीर फाइल्स की। हरियाणा में खट्टर सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। जी हाँ, इसके टिकट पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वैसे कल मैं देखने जा रहा हूँ, मैंने आज बुक की थी, उस पर टैक्स पेड थे वो कल की डेट की, लेट सी कि उसमें क्या होता है। तो कल मैं देख के आऊँगा और आपके साथ ज़रूर पूरा इसका रिव्यू साझा करूँगा। सबसे पहले मैं दिखा दूँ जब इस मूवी को रिलीज़ होने के बाद दर्शकों का रिएक्शन था, पूरा भगवा से थिएटर भरा हुआ था। उसके बाद अनुपम खेर ने बहुत बड़ी बात बोली। अनुपम खेर ने क्या बोला उसको भी सुनाऊँगा। उससे पहले जब दर्शक वहाँ पर आए थे तो उनका क्या रिएक्शन था विवेक अग्निहोत्री से, और जो इसमें मुख्य किरदार में जो है उनके साथ फूट फूट के कैसे एक महिला रोई, अपना दिल की बातें उन्होंने रखी कि तो मेरे चाचा के साथ हुआ था, मेरी आंखों के सामने सारी घटनाएं घटी थी, और आपने जो सच दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। तो देखिएगा इसको पूरा, वीडियो को लास्ट तक और शेयर कीजिएगा। We are very thankful to you. अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? We are all Kashmiri. We are very thankful to you to bring our story out. तुम्हारे साथ क्या हुआ, आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छूल लूं। अपने हमारा दर्द, अपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सबने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। हमारे लिए भगवान ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद है मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद है। आई होप आपको ये सत्य देख के अच्छा लगा होगा, और बातें सुन के आपका क्या रिएक्शन है कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्ते। ईश्वर की कृपा और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से 522 फिल्में कर चुका हूँ। अनुपम खेर हूँ, पात्र बनता हूँ, अभिनय करता हूँ, हंसाता रुलाता हूँ, यही मेरा सारांश है। लेकिन इस बार मैं कोई पात्र नहीं बना, मैंने अभिनय नहीं किया, और कश्मीर फाइल्स कोई डायलॉग भरी कहानी भी नहीं है। 32 साल पहले लाखों कश्मीरी हिंदू तहस नहस कर दिए गए, हमारे भाई बहन, बूढ़े बच्चे, मेरे अपने, मानो मेरे हाथ पांव बाजू, मेरा खून, ये हार्ड मास का शरीर जैसे रातों रात जिहाद ने रौंद डाला। 90 करोड़ का ये भरा पूरा देश बेखबर रहा। पुलिस मानो गायब हो गई, सेना छावनियों में पड़ी रही, मीडिया गूंगा बहरा हो गया, और कश्मीर हम हिंदुओं से खाली करा लिया गया। प्राणा गंजू कौन थी, सरला भट्ट के साथ क्या हुआ, गिरजा टिक्कू का क्या कसूर था, किसी को नहीं पता।
लसकौल, नीलकंठ कंजू, टीकालाल टपलू, सर्वानंद प्रेमी, प्रेमनाथ भट्ट, किस किस का नाम लो। आज तो कोई आयोग नहीं बैठा, कोई जांच नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं चला, कोई दोषी नहीं पाया गया, किसी को सजा नहीं हुई। हां, मुद्दा जरूर उछाला गया, बहस में हमारी आड़ जरूर ली गई, लेकिन जिहादियों के लिए आधी रात को खुलने वाली अदालतों ने हमें सुनने से भी मना कर दिया। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म से भी बढ़कर आप सबकी अंतरात्मा की अदालत में हम कश्मीरी हिंदुओं की एक दस्तक है। मैं अनुपम खेर नहीं हूं, मैं अब पुष्कर नाथ हूं और आप सब तक पहुंचने के लिए छटपटा रहा हूं। मुझसे मिलिए कश्मीर फाइल्स में। क्योंकि हर कोई कमेंट्स के माध्यम से एक दूसरे के विचार जानना चाहता है इस मुद्दे के ऊपर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटी वाला एक निशान होता है ना, बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, उसको प्रेस करें, वरना अगली बार जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपकी स्क्रीन तक शायद कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो ख्याल रखिएगा, इस चैनल की ताकत बनेगा, एक साथ मिलजुल के बहुत जिंदगी, कहने को दो दिन की है, दो पल की है, और कहने को बहुत लंबी है। तो समाज में बहुत सारे ऐसे काम है जो मिलजुल के आपको और हमको करने हैं। चैनल के साथ जुड़ेगा, दोस्तों को भी जुड़ेगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। टेक केयर फॉर सेल्फ, गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।